हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय, आप सबका दोस्त और आप सबका विलेज रू गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों के लिए घर से बाहर चला गया था, लगभग 5-6 महीने के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मैं नई वीडियो नहीं डाल पाया हूं यूट्यूब पे। तो आके मैंने देखा तो मेरे विलेज रू गार्डन का बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये देखिए, इसमें केले का पौधा हुआ करता था जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और इसमें ओनली ये हमारी फूल बचे हुए हैं, बस ओनली। हम इनको हरियाणवी में बिचवंटिया बोलती है, तो ओनली यही बचे हुए हैं ये, कि पूरे गमले में, बारिश का सीजन है इसलिए पूरे गमले में फैल चुके हैं। दिखने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन मेरा गार्डन में तो बर्बाद कर दिया, केले वगैरह नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे घर वालों ने क्या हालत बना के रखी हुई है इसकी। ये यहाँ पे भी ये सब बिचुमंडिया वगैरह ये सब बहुत गई हैं यहाँ पे। इसमें पौधा हुआ करता था, तुलसी का पौधा था, देखिए उसकी क्या हालत हो गई है, सूख के बस इतनी बची है। ये देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे मैंने सब्जी वगैरह लगा रखी थी, यहाँ पे ओनली नींबू का पौधा बचा है मेरा, वो भी आधा सूख चुका है। ये बेल वगैरह लगा दी है घर वालों ने, वो सब हटा के सब्जी वगैरह हटा दी है। तो यहाँ पे देखिए, ये बेल है काकड़ी की, तरबूज की, ककड़ी वगैरह की, ये सब है। ये एक बीच में जवाल ये सूरजमुखी का फूल लगा दिया है, और ये देखिए गमले वगैरह की क्या हालत है, सब गमले वगैरह है। फ्रेंड्स, ये सब देख के मेरे दिल को तो बहुत दुखी हो रहा है, इतनी मेहनत की थी मैंने, इतने साल की मेहनत थी, और ये देखिए यहाँ पे ये भी सूख चुका है, और ये इसको पानी की कमी है, लेकिन पानी तो अच्छा खासा दिया हुआ लग रहा है। मोगरे का प्लांट है ये, देखिए फ्रेंड्स, सब जगह पे यही फ्लावर 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 ही है, और कुछ नहीं है। इसके अंदर जो पौधा लगा हुआ था वो पूरी तरह से सूख चुका है, अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। ये देखिए घास लगी हुई है इसमें, ये देखिए अनार के पौधे मेरे सब सूख चुके हैं, एलोवेरा वगैरह सूख चुका है। ये देखिए, ये अमरूद का पौधा था पूरी तरह सूख चुका है, नींबू का पौधा तो मैंने लगाया था ये भी आधा सूख चुका है, लेकिन ये मरुआ है ये अच्छा है, ये अभी तक ओके खड़ा है। ये नींबू का प्लांट है, ये भी अच्छे हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, ये सूख चुका था लेकिन ये फिर से हरा हो गया। एक दो फ्लावर बचे हैं बस, बाकी सब गमले मेरे देखिए फ्रेंड्स खाली हो चुके हैं पूरी तरह से। ये अनार का पौधा है, इस पर स्पेशल वीडियो बना के मैंने इसको अच्छे से ग्रो करवाया था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ये देखिए मौसम्बी का, कीवी का क्या बुरा हाल हो चुका है, कोई देखभाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरा गोडाउन मतलब सॉरी फ्रेंड्स, पूरा गार्डन मेरा ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। ये देखिए सदाबहार के प्लांट है, ये एक ही बचा हुआ, इसमें शायद मैंने बहुत सब्जी लगा रखी थी। ये देखिए कुछ नहीं है, इधर पालक मेथी वगैरह थोड़ा दिख रहा है, फ्लावर वगैरह कुछ नहीं है। ये सब बेल वगैरह, ओनली बेल। उस साइड देखिए फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स आप सोच नहीं सकते मुझे कितना दुख हो रहा है मेरे को, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपना गार्डन फिर से स्टार्ट करूंगा। ये देखिए तुलसी पूरी तरह से सूख चुकी है, इसमें एक दो सदाबहार के प्लांट हैं इसमें, बाकी फूल फ्लावर। ये देखिए फ्लावर के, ये बैंगन का पौधा है, लेकिन ये बैंगन फिर से मेरे ख्याल से हरा हो जाएगा, फिर से अच्छे से हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। ये भी बैंगन है, ग्रीन बैंगन है, ये भी अच्छे से है। ये देखिए, ये सदाबहार ने बहुत ज़्यादा वो बड़ा हो चुका है, पिछले वाले वीडियो से मेरे नीचे तक आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा हुआ है। ये बैंगन का पौधा सूख चुका है, ये पता नहीं क्या साग लगा दिया, ये ग्रीन साग है देखिए फ्रेंड्स, सभी में हर जगह पे बथुआ बोलते हैं हम इसको, साग जो होता है। घर वालों ने सब सब्जी हटा के ये लगा दिया है, सभी में यही है, कोई फ्लावर वगैरह कोई प्लांट वगैरह मेरे कुछ नहीं है, देखभाल कुछ नहीं थी। फ्रेंड्स सोच सकते हैं आप, अगर आप इतनी मेहनत करें तो कितना बुरा लगता है। ये मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट है, ये मॉर्निंग ग्लोरी है, एक दो है, ये मैंने पूरी अच्छे से इसके ऊपर चढ़ा रखी थी फ्रेंड, देखिए ये सूख चुकी है, टूट चुकी है सूख के। मेरी इतने साल की मेहनत बर्बाद हो गई, अभी मैं फिर से वापस आया हूँ तो फ्रेंड्स मैं इसको फिर से रिकवर करूँगा। पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, अगली वीडियो आते आते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स आप साथ मत छोड़ के जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको मेरे बैकअप प्लान क्या है जरूर जल्दी अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, कैसे मैं इसको मेंटेन करता हूँ फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।